हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। मैं आरके प्रभाकर, बिहार बोर्ड ऑफ इंग्लिश रेनो पार्ट टू का चैप्टर वन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। इस वीडियो में मैं सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर महात्मा गांधी जी के जीवन से परिचय कराना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय में उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसे लिखा है, आप सभी लोग महात्मा गांधी जी से परिचित होंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें बतलाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्न यानी जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को। डेथ यानी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को। नोन एज, इन्हें जाना जाता है यानी महात्मा गांधी जी को इनके नाम के अलावे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बापू, महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है, और या फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के पिता यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नून एज यानी महात्मा गांधी जी को बापू या फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चीफ वेपन्स, चीफ मीन्स होता है मुख्य, वेपन्स मीन्स होता है हथियार यानी मुख्य हथियार। महात्मा गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मुख्य हथियार के तौर पे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया था। यानी महात्मा गांधी जी के मुख्य हथियार थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई, एंड मतलब और, नॉन वायलेंस, ये दो शब्दों के मेल से बना है, वायलेंस प्लस नॉन। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, नॉन मीन्स उसका अपोजिट, यानी नॉन वायलेंस मीन्स हुआ अहिंसा। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सच्चाई और अहिंसा नामक दो हथियारों का प्रयोग किया था। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, किसी की जीवनी जो खुद से लिखा गया हो। तो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में महात्मा गांधी जी ने अपने ही बारे में लिखा है और खुद से लिखा है। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भारत के नौजवानों के लिए बहुत सारी किताबें लिखा है। ये सारे के सारे पॉइंट आप एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी पर। समरी यानी सारांश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है। इट इज रिटेन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इट इज रिटेन, इसे लिखा गया है फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हियर, यहाँ पर रिप्रेजेंट्स, उन्होंने प्रस्तुत किया है द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने इस चैप्टर में यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत किया है। ही कंपेयर्स, उन्होंने तुलना किया है द इंडियन और द एंशिएंट सिविलाइजेशन, उन्होंने भारतीय और प्राचीन सभ्यता को तुलना किया है विद द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने भारतीय और प्राचीन सभ्यता का तुलना पश्चिमी और आधुनिक यानी मॉडर्न में होता है आधुनिक, आज की सभ्यता, उन्होंने भारतीय और प्राचीन सभ्यता का तुलना पश्चिमी सभ्यता और आज की सभ्यता से तुलना किया है। He says that, उन्होंने कहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी, उन्होंने कहा है कि भारतीय सभ्यता डेवलप करती है नैतिकता को, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता, मोरालिटी मीन्स होता है नैतिकता, भारतीय सभ्यता नैतिकता को डेवलप करती है यानी नैतिकता को विकसित करती है। वाइल जबकि
वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता स्प्रेड्स इमोरालिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का विकास करती है। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, आवर सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता कैन टीच पढ़ा सकती है द वर्ल्ड संसार को, हमारी सभ्यता जो है वह संसार को पढ़ा सकती है, यानी हमारी सभ्यता इस प्रकार की है जो संसार को पढ़ा सकती है। Therefore, इस प्रकार we need not copy the western civilization, यानी इस प्रकार we need not copy, इस प्रकार हमें नकल करने की जरूरत नहीं है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की जरूरत हमें नहीं है। Our ancestors, ancestors means होता है पूर्वज, our ancestors हमारे पूर्वजों ने एडवाइज्ड हमें सलाह दिया है, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया है टू मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, डिस्टेंस मीन्स दूरी, यानी हमारे पूर्वजों ने दूरी बनाए रखने के लिए सलाह दिया है फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी यानी मशीनी यानी तकनीकी मशीन के प्रयोग से दूरी बनाए रखने के लिए, यानी मेंटेन डिस्टेंस मशीन के प्रयोग से दूरी बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने सलाह दिया है, हमें सुझाव दिया है। बिकॉज क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी, मशीनरी का प्रयोग मे बी स्लेव अस हमें अपना गुलाम बना सकता है, मशीनरी का प्रयोग करना हमें अपना गुलाम बना सकता है। जिस तरीके से यदि हमें आज कहीं जाना होता है हम सभी में से किसी को, तो हमें गाड़ी की जरूरत पड़ती है, बिना गाड़ी का हम नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम उसे गुलाम बन चुके हैं। दे सजेस्टेड उन लोगों ने यानी हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाव दिया है रिसिस्टिंग आवर वांट्स टू लीड ए हैप्पी, हमें अपने नीड्स को परहेज करने से हम खुशमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आवर सिविलाइजेशन स्टिल एलिव, हमारी सभ्यता, आवर सिविलाइजेशन होता है हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता स्टिल आज भी जिंदा है, एलिव मतलब जिंदा, हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। वाइल जबकि द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड, जबकि संसार की अन्य सभ्यताएं नष्ट, डाइड मतलब मरना होता है, नष्ट होना भी होता है, जबकि संसार की अन्य सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, मर चुकी हैं या बर्बाद हो चुकी हैं। देयरफॉर इस प्रकार इन गांधी जी वर्ड्स, इस प्रकार गांधी जी के शब्दों में इफ वी वांट आवर इंडियन, इफ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, इस प्रकार गांधी जी के शब्दों में यदि हम भारत को यानी इंडिया को ऊंचाई पर ले जाना और चमकाना चाहते हैं तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू, हमें अहमियत देना चाहिए द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अपनी सभ्यता और संस्कृति के गौरव और सम्मान का, यानी हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के गौरव और सम्मान का अहमियत देना चाहिए। यदि हम अपने भारत को चमकाना और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो देयर इज नो मैच फॉर इट, इसका कोई जोड़ नहीं है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमारी सभ्यता का कोई जोड़ नहीं है। वे जहां ए मैड्रस एक पा जहाँ एक मैड्रस एक पागल भीड़ फॉर मेटेरियल, एक पागल भीड़ जो भौतिकवाद के पीछे भाग रही है, हैज डेडेड माइंड ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग का हनन कर दिया है, लोगों के मानसिकता को गिरा दिया है, यानी हमारी सभ्यता का इस दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। जिस सभ्यता में जहाँ पर भौतिकता के पीछे एक पागल दौड़ ने लोगों की मानसिकता को गिरा दिया है, यही पर हमारा समरी इंड होता है यानी द इंड। मेरे साथ जुटे रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आरके प्रभाकर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो जिसे अवश्य लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।